स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। को यह ज्ञापन मनमोहन सरकार को सौंपा जा रहा है। बैतूल जिले की तहसील आठनेर में किसानों ने सोयाबीन की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश सरकार से अपील की है कि वर्तमान एमएसपी को 4892 से बढ़ाकर 6000 प्रति क्विंटल किया जाए। ज्ञापन में किसानों ने पिछले 10 वर्षों से एमएसपी में बढ़ोतरी न होने और सोयाबीन की खरीदी में हो रही कठिनाइयों का हवाला दिया है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश के किसान देश की कुल सोयाबीन उत्पादन का 48% योगदान करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी उपज के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण किसान कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं सुना तो वे पंचायत, तहसील और जिला स्तर पर उग्र आंदोलन और अनशन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अपना नाम बताएं। मैं गोलू प्रसाद डढोरे, एक किसान, ग्राम पंचायत कुसली, तहसील आठनेर में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6000 समर्थन मूल्य करवाने बाबत ज्ञापन दे रहा हूं। आप किस मामले को लेकर यहां तहसील उपस्थित हुए? सर, हम सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6000 करने बाबत ज्ञापन सौंपने आए हैं। आपका क्या कहना है इस मामले में? शासन प्रशासन से क्या कहना है? शासन प्रशासन से ये कहना है सर कि शासन प्रशासन, हम सोयाबीन की कृषि उत्पाद करने वाले किसान दिन ब दिन घाटे में जा रहा है, कर्ज में डूबते जा रहा है। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इसके ऊपर गंभीरता से विचार करे और समर्थन मूल्य को 4892 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 6000 रुपये पर खरीदी करे। आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, अगर उसके ऊपर शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो सर मजबूरी में कुछ भी हो सकता है। अनशन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, जो भी करना पड़े हम किसान करने को तैयार हैं, क्योंकि हम रात रात भर खेतों में पानी लगा के कटाई करते हैं, निंदाई करते हैं, गुड़ाई करते हैं और भूखे मरने के कगार पर आ जाते हैं, कुछ भी करने को बाध्य हो जाएंगे। आज आपने जो ज्ञापन दिया, आपको पता नहीं था कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन लोगों की हड़ताल चल रही है, उसके बाद आप ज्ञापन देने? पता था, मगर जिसको प्रभार सौंपा गया है उसके माध्यम से मैंने कहा ज्ञापन आपको लेना पड़ेगा। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज के साथ।